आज का कल की चमत्कार कोयंबटूर के प्रभु कुमार का है। 74,000 दीक्षा प्रक्रिया ने जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव किया है। दीक्षा प्रक्रिया से पहले जीवन एक लगातार चलती हुई दौड़ था। मैंने जीवन में किसी भी चीज का न अनुभव किया न ही उसका सुख भोगा, क्योंकि निरंतर आंतरिक वार्तालाप चलता रहता था। 74,000 दीक्षा प्रक्रिया में नियमित भाग लेने से इस निरंतर दौड़ की गति धीमी पड़ने लगी। मैंने अपने साथ दौड़ने वालों को देखना शुरू कर दिया। गति और धीमी पड़ने से अब मैं आंतरिक संसार में गतिहीनता की स्थिति पर आ गया हूँ। इस स्थिति में जीवन अत्यंत सुखद एवं सुंदर है। किसी भी कार्य करने में अब कोई जल्दी या तनाव नहीं है। आंतरिक वार्तालाप करीब करीब समाप्त हो गया है। विचार अब मुझे परेशान नहीं करते। मैं बिना मन के हस्तक्षेप के जहां कहीं भी हूं हर एक चीज का अनुभव कर पा रहा हूं। श्री कल्कि से संबंध प्रगाढ़ हो गया है और ये जीवंत है। पहले ईश्वर से मेरा रिश्ता केवल मेरी प्रार्थनाएं पूरी करने और मेरी जरूरतें पूरी करने तक ही सीमित था। पहले हरेक के साथ सशर्त संबंध था, यहाँ तक कि मेरे ईश्वर के साथ भी। परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं दूसरे को अनुभव कर पाता हूँ और जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जीवन में एक गहरा संतोष और संतृप्ति है। सब कुछ स्वचालित है। ये बोध है कि कुछ भी करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल साधन मात्र हूँ जिसके जरिए सब कुछ होता है। श्री भगवान की शिक्षा, आपके विचार आपके नहीं हैं, मन आपका मन नहीं है, शरीर आपका शरीर नहीं है, मेरे लिए एक सत्य है। इस धरती पर रहने का ये एक अकल्पनीय अनुभव है। संक्षेप में, जीवन स्वचालित, शांतिपूर्ण, हर्षोल्लास से भरपूर, ठेस रहित और बिना किसी चार्ज के है। मेरी जीवन नैया के खेवनहार श्री कल्कि हैं। मैं केवल यात्री हूं जो जीवन की इस अनूठी यात्रा को अनुभव कर रहा है और इसके बहाव में बहा चला जा रहा है। जीवन के स्वचालन के साथ केवल प्रयत्नहीन प्रयत्न है। पुरानी यादें अपने आप मिटती चली जा रही हैं। इससे वर्तमान खूबसूरत बन गया है और भविष्य के डर सब गायब हो गए हैं। केवल वर्तमान है जो कि परमानंद है। मुझे ऐसी अमूल्य मुक्ति स्थिति का आशीर्वाद देने के लिए मेरे परम करुणामय श्री कल्कि को अनंत कोटि धन्यवाद। उनके दिव्य कमल चरणों में विनीत नमन।